ग्रामीणों ने लगाए आरोप, शासकीय भूमि पर हो रहे निजी बोर शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं कर रहा कार्यवाही। खबर कराहल से है, जहां आज फरियादी ने परिवार सहित कराहल आकर हमें बताया है कि कराहल तहसील के मोरावन गांव के टपरिया बस्ती में शासकीय भूमि, आंगनवाड़ी केंद्र और मतदान केंद्र के नजदीक कुछ लोग निजी बोर करवा रहे हैं और दो बोरवेल के बीच की जो निश्चित दूरी 300 मीटर नियम के तहत तय होती है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं और रातों रात बोर लगातार होते जा रहे हैं। इन हो रहे अवैध बोरवेल से फरियादी के निजी बोरवेल पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। बोर का पानी आधा हो गया है, उन पर पानी का संकट मंडरा रहा है। इस परेशानी को लेकर फरियादी कराहल SDM और कराहल तहसीलदार को शिकायती आवेदन 16 अक्टूबर को दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई। सारे परिवार जन का इस संकट से रो रो कर बुरा हाल है। सेसईपुरा थाना प्रभारी को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। जब इस संबंध में मोरावन पटवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने मौके पर पहुँच कर पंचनामा बना लिया है। कराहल तहसीलदार से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी आवेदन प्राप्त न होना बताया। सरकारी जमीन में बोर कराया जा रहा है, हमें निजी बोर पुराने बोर है, बोलिंग के सामने बोलिंग के सामने आ रहा है, बोलिंग बोर्ड के पास में ही पास में ही है साहब। और हम तो मर जाएंगे साहब, बुरी तरह से हमारी हालत खराब है, हमारी फसल फूब गई है और हमारा जो है सब नाश हो जाएगा, हमारा बोर फेल हो गया रात में। हमारे 10-10 साल पुराने हो रहे हैं, पुराने बोर हमारे नष्ट करने के लिए चारों तरफ होली बोल लगाए रहे हैं साहब। और सरकारी और तहसीलदार को कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तहसीलदार साहब को आवेदन दे दिया, तहसीलदार साहब ने सुनवाई नहीं की, मैडम से भी बोला था और हाल पॉइंट करके आ जाती है आंगनबाड़ी के सामने, बूथ अभी एक मशीन तो अभी प्रियंट में लगी है, पुलिस उसको बंद करवाया है। आंगनबाड़ी के सामने सरकारी जगह में लगा रहे हैं, हमारी पहल के बारे में और हम कहते हैं तो ना कि तुम क्या करोगे, हम तो लड़ने को अभी हो जाते हैं। दबंग लोग हैं साहब, 151 की धारा हमको भेज देंगे, पुलिस हम पे ही काम करेगी, उन पर दबंग लोग हैं साहब। जिला बदल करेगी पुलिस, हमारी प्रति तो इतनी रंजिश रखती है, पुलिस ने कहा कि भी तो होंगे क्या कराओगे तुम, सुनती नहीं है साहब। तहसीलदार साहब हमें सुने ही नहीं, मना करते जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे तहसीलदार साहब। आधा पानी हो गया तहसीलदार साहब के, हम रो रो के क्या कहेंगे, फिर भी हॉल करवा रहे हैं, चुप हो जाते हैं साहब। हम पे ऐसा कोई पैसे वाले है नहीं, हम लोग साहब कुछ और अभी और लोग करवाने की कह रहे हैं। हम तो मरे धरे हैं साहब, बिल्कुल मारा रहे, हमारे बोर में आज रात में पानी नहीं रहा। पहले एक हॉल करवाते हैं फिर पास में करवाते हैं, बोले एक हॉल के पैसे नहीं देंगे। जो है हमारे बोरों के चारों तरफ बोर लगा रहे हैं, रात में लगवाते हैं, सास की जगह है, आंगनबाड़ी के सामने है और उसी लाइन में पूरी आंगनबाड़ी के हमारे बोर तक सब सास की भूमि है और उसमें बोर लगा रहे हैं। हमारे बोर में आज रात में आधा पानी रह गया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि शासकीय भूमि को बोर लगा रहे हैं? वो आंगनबाड़ी के सामने है, शासकीय भूमि है साहब, शासकीय होती है साहब आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के सामने जो पोलिंग होती है, स्कूल के सामने बाउंड्री से सब शासकीय भूमि है साहब। आपने आवेदन कब दिया तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब को हम 16 तारीख में दिया। क्या कहा आपने उनसे? मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ अवैध बोर हो रहे हैं, हमारे बोर नज़दीक लगा रहे हैं जी, हमारे बोर फेल हो जाएंगे। बोले उनने कहा कि भाई देखेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कही उन लोगों से। कही हमने कहा हम तहसीलदार साहब के यहाँ रात में ही आ रहे थे तो उनने कहा कि तुम रात तहसीलदार के चले जाओ, तहसीलदार हमारी जेब में बैठा है। इस तरह कह रहे हैं? हाँ हाँ, जो नेपाल ने और वानश्याम बिहारी ने और आकम ने पिंकी, ये पुलिस भी वहाँ गई थी कभी? पुलिस भी गई, दिन में गई, मैं रात में 11 बजे एक आवेदन दिया, 1:30 बजे रात में मैं पुलिस के पहुँचो तो एक धीमान जी मिले, उनका नाम मैं जानता नहीं है, सिविल ड्रेस में आते, मैंने उनको समस्या सुनाई। शाम को मैंने दरोगा जी को फोन भी लगाया बातम साहब को, तो उन्होंने जी कहा कि भाई ये तो तहसील का काम है, हमारा मैटर नहीं है कोई, तहसीलदार साहब करेंगे इसमें। मेरा नाम जनक यादव। क्या समस्या है जनक जी? समस्या ये है कि फुल पैसे वाले लोग हैं साहब, वो शासकीय भूमि पे हॉल करवा रहे हैं बोर, और दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पैसे से सर तहसीलदार साहब को दबा दिया, तहसीलदार साहब सुनवाई नहीं कर रहे थे। 16 तारीख को मैं आया था, तहसीलदार साहब ने बोला था कर लेंगे, उनने कुछ भी नहीं किया और आज रात को एक हॉल हो गया, नेपाल यादव ने हॉल करवा लिया।
आंगनबाड़ी केंद्र के पास में। क्या नाम है आपका? फूलवती। क्या परेशानी है, आप तहसील में आई हो आज? हमारे आंगनबाड़ी के सामने बोर लगा रहे हैं, हमारी बोर है को भाई बगल से, और हमारे बोर है फेल कर रहे हैं, और सरकारी जगह पे बोल लगा रहे हैं हमारी बगल से। तहसीलदार के आए थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे तहसीलदार हमारी, और झगड़ा हम कर नहीं सके, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई आदमी नहीं। तहसीलदार से कहते हैं तो तहसीलदार कोई सुनवाई नहीं करते, अब हम क्या करें, हम इतना पैसे वाले तो है नहीं, तो हम दूसरा बोर करवा लें, हम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम अभी तक शासन से कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास, तो मतलब रात में बोर करते हैं, रात में करते हैं, दिन में कोई नहीं करता।